Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends and viewers. Welcome to Jobz MCQs page and YouTube channel. Friends, आज की जो हमारी वीडियो है ये जूनियर कलर का जो पेपर हुआ था 26/10/2020 को हुआ था फूड डिपार्टमेंट बलूचिस्तान में जूनियर कलर का ये पेपर हुआ था और इसका पार्ट फर्स्ट जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है. इसमें 26 एमसीक्यूज थे और आज की इस वीडियो में 24 एमसीक्यूज हैं और इसमें टोटल जो थे 50 एमसीक्यूज थे. तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी इनवाइट कीजिएगा कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें. तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है ट्रेजिडी ऑफ करबला जो है ये कब हुआ था, ये 680 एडी में हुआ था और अगर हिजरी में हुआ था तो 61 हिजरी में हुआ था. इसके बाद क्वेश्चन नंबर दो को देखिए, हाउ मेनी सजदा, कुरान पाक में कितने सजदे हैं, 14 सजदे हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन को देखिए, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को किस सिटी में शहीद किया गया, तो उसको कुफा की सिटी में शहर में शहीद किया गया. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर है, कौन से गजवा में शराब जो है वो हराम हुई थी, बन नज़ीर गजवा जो है इसमें शराब हराम हुई थी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव को देखें, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज्ड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सा मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज हुआ है, वैक्यूम ट्यूब्स और वाल्व यूज हुए हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर आठ है, अ डम्ब टर्मिनल है, डम्ब टर्मिनल जो है ये क्या होता है, ये कीबोर्ड एंड स्क्रीन इसे कहते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर सात को देखें, वन मिली सेकेंड जो होता है ये किसकी बराबर होता है, ये हज़ारवां हिस्सा होता है सेकेंड का. इसके बाद क्वेश्चन नंबर एट को देखें, एट नंबर क्वेश्चन है, द आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाई, आउटपुट क्वालिटी जो है प्रिंटर की उस किस चीज़ पे मेजर करते हैं, हम नापते हैं, डॉट पर इंच नाप करते हैं. क्वेश्चन नंबर नाइन को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, सबसे स्पेशल पर्पज ऑफ कंप्यूटर जो होता है ये ए बी सी होता है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर टेन को देखें, वाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड द एटनसॉफ्ट एंड क्लिफोर्ड, सो ये ए बी सी इसका करेक्ट आंसर है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन, इनमें से कौन सा डिवाइस ऐसा है जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज यानी स्पेस रखता है जिसमें हम कोई चीज़ सेव कर सकते हैं, वो हार्ड डिस्क है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 को देखें, 12 नंबर क्वेश्चन है, यू कैन नॉट क्लोज एमएस वर्ड एप्लीकेशन बाई आम एप्लीकेशन, जे एमएस वर्ड एप्लीकेशन जो है इसको हम क्लोज नहीं कर सकते, फ्रॉम फाइल मेन्यू चूज क्लोज सब मेन्यू, इसका करेक्ट आंसर है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 को देखें. 13 नंबर क्वेश्चन है कि F12 की जो है ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, सो ये सेव इज डायलॉग बॉक्स के लिए यूज़ होती है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए. 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की ऑफ ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए, कौन सी की यूज़ होती है, कंट्रोल F12 यूज़ होती है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखें. 15 नंबर क्वेश्चन है, द लाहौर रिजोल्यूशन वाज पास्ड काजी मोहम्मद ईसा फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ, लाहौर रिजोल्यूशन जो पास किया था उसने काजी मोहम्मद ईसा, इसका किस प्रोविंस के साथ यानी किस सूबे के साथ ताल्लुक था, तो इसका बलूचिस्तान के साथ था. क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, द खाकसार तारिक वाज इस्टेब्लिश बाई अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरिकी इन, ये कब हुआ था, ये 1931 में हुआ था. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए. 17 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बाउंड्री थी डिमार्केटेड बाई सायरल रेड क्लफ इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, इसको रेड क्लफ लाइन कहा जाता है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखें. 18 नंबर क्वेश्चन है, इन रन ऑफ कुछ डिस्प्यूट इन 1965 पाकिस्तान डिक्लेयर फ्रंटियर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के रन ऑफ कुछ
डिस्प्यूट जो है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है 24 पैरल कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, परवीन शाकिर जो है इसको इस्लामाबाद में इसका एक्सीडेंट जो होता है ये कब हुआ था, ये 26 दिसंबर 1994 में हुआ था, जो उस टाइम वो उसमें फौत हो गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, वो कौन सा वायसराय था जो पाकिस्तान और इंडिया पाकिस्तान से यानी मशरकी बंगाल जो अलग हुआ था, तो इस टाइम कौन वायसराय थे, ये लॉर्ड क्रूजन थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, इंडिया मुस्लिम लीग का सबसे पहला प्रेसिडेंट कौन था, सर आगा खान था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, इन विच ईयर अलीगढ़ ट्रस्टशिप जो है ये कब पास हुई थी, 1889 में पास हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देखें, कौन सी ईयर में सईद जमालुद्दीन अफगानी यानी फौत हुए थे, 1897 में वो फौत हुए थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 को देखें, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये जो एक्स फेडरली एरिया है फाटा जो है जिसको हम फाटा कहते हैं, उसका एरिया कितना था, 27220 किलोमीटर स्क्वायर था। तो फ्रेंड ये आज थी हमारी वीडियो, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी इनवाइट कीजिएगा कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, एडमिन आरिफ खान के साथ अल्लाह हाफिज़।